हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम के हमने पहले भी 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप बनता है और जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, √6 + √6 + √6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, या फिर सेम क्वेश्चन इस तरह से हो √6 - √6 - √6 - √6 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, अगर सेम नंबर है तो इस नंबर को आपने फैक्टर्स में डिवाइड करना है। लेकिन फैक्टर किस तरह से होने चाहिए कि उनका डिफरेंस जो है वो 1 बने। जैसे 6 क्या होता है, 6 होता है 2 × 3, ठीक है। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। अब अगर आपके पास प्लस है, यानी कि बीच में क्वेश्चन में प्लस आ रहा है, तो आपने ग्रेटर नंबर को सिलेक्ट करना है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 3। और अगर आपके पास माइनस है तो आपने स्मॉलर नंबर को सिलेक्ट करना है, यानी कि आंसर आएगा 2, ठीक है। सेम अगर आपके पास क्वेश्चन होता 20 + 20 + √20 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, एंड सेम क्वेश्चन इस तरह से होता 20 - √20 - √20 - √20 - √20 तो क्योंकि 20 के फैक्टर क्या बनते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 20 = 4 × 5। कंसेक्यूटिव नंबर में आपको ब्रेक करना है, आपके पास खुद फैक्टर अच्छे आ जाएंगे। जैसे कंसेक्यूटिव में कौन कौन बनते हैं, 4 × 5 - 5 × 6 - 6 × 7, और इसी तरह का क्वेश्चन आता है इस टाइप में। तो अगर आपके पास प्लस हो रहा है तो आपने ग्रेटर नंबर को, यानी कि 5 को आपने सिलेक्ट कर लिया, माइनस हो रहा है तो 4। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, अगर प्लस का है तो ग्रेटर को सिलेक्ट करना है, अगर माइनस का है तो स्मॉलर को सिलेक्ट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है √72 + √72 + √72 up to so on infinity, तो 72 को हम लिख सकते हैं, 72 = 8 × 9, और प्लस हो रहा है तो हमने ग्रेटर को लेना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। सेम अगर ये होता 132 - 132 - 132 up to so on, तो 132 क्या होता है, 11 × 12, और माइनस हो रहा है तो हमने स्मॉलर को लेना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास बनती है, तो नेक्स्ट टाइप क्या हो सकती है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इफ x = √8 + √8 + √8, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, एंड y = √8 - √8 - √8 up to so on infinity, तो आपको निकालना है कि x माइनस वाई कितना आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू जब भी आपको फाइंड करनी है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपने लास्ट वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, जो हम लास्ट में जनरलाइज करेंगे टर्म्स को। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि जब भी इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखिए x = √8 + √8 इस तरह से है, यहां पर अगर हम स्केयर लेते हैं, बोथ साइड अगर हम स्केयर करेंगे तो x का स्केयर क्या बनेगा, क्योंकि स्केयर से अंडर रूट कट हो जाता है, तो एक जो अंडर रूट है वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8 + √8 + √8 up to so on infinity, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम है तो इन्फिनिटी तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, इस स्टेप से फर्स्ट से सेकंड में मैंने स्क्वेयर कर दिया, तो x का स्क्वेयर ये हो गया, और इसका स्क्वेयर क्या बनेगा, स्क्वेयर से एक अंडर रूट कट हो जाएगा, बाकी सारे अंडर रूट उसी तरह से रहेंगे, तो एक 8 जो है वो बाहर आ गया, बाकी सारे अंडर रूट में रहेंगे। एंड सेम यहां भी इस तरफ भी वही होगा, वाई स्क्वायर क्या बनेगा, 8 - √8 - √8 - √8 up to so on infinity। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, x² = 8 + x, क्योंकि √8 + √8 + √8 up to so on infinity जो है वो किसकी वैल्यू है, वो x की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से, यहां ऊपर से। एंड सेम कंडीशन y² = 8 - y, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यहां पर 1 - 2 कर दूं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 - 2 करके क्या आएगा, x² - y² = 8 + x - 8 - y, ठीक है। तो a² - b² क्या होता है, a + b (a - b) = 8, और ये बन जाएगा आपका 8 - 8 = 0, खत्म हो जाएगा ये 8 - 8 आपका 0 आ जाएगा। और सेकंड जो है x, अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोलूं तो 8 + x - 8 और -± + y,
तो 8 से 8 कट हो गया, हमारे पास रह जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहां से एक्स माइनस वाई क्या आएगा, एक्स प्लस वाई को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कट हो जाएगा वन। तो यहां पर हमेशा आपने याद रखना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक है, कट करेंगे तो वन आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी वैल्यूज होंगी, मान लो यहाँ पर अंडर रूट 10 होगा तब भी वही आएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी है प्लस माइनस में, तो लास्ट वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, वन आएगी। तो सिंपली आप ऐसे रख सकते हो कि अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। एक्स माइनस वाई वहां पर कितना आएगा, वन आएगा, क्योंकि हमने जनरलाइज कर लिया कि आपके पास वैल्यूज चेंज होगी तब भी आपके पास लास्ट में वैल्यूज तो रहती नहीं है, 10 से 10 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो भी सीडीएस के एग्जाम में आपके पास आता है, तो ये भी आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बनता है, अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो सिंपल इस तरह से है, अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, यानी कि कोई डबल टर्म नहीं है। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमने की कि अगर जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से आ जाते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर में आ जाते हैं, जैसे 6 के बन जाएंगे 2 इंटू 3, ठीक है, और आपके पास 12 के बन जाएंगे 3 इंटू 4, 20 के बन जाएंगे 4 इंटू 5, तब तो आपने सिंपली वो फर्स्ट केस जो आपको बताया वो करना है। सेकेंड केस आगे कि आपके पास एक्स की वैल्यू दी हुई है प्लस वाली और वाई की वैल्यू माइनस वाली। अब थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है कि सभी पॉजिटिव है और एक ही वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसको हम एक्स मान सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास ट्रिक क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रिक सिर्फ ये हो सकता है कि जब भी आप अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन इस तरह से करोगे तो ये हमेशा वन एंड टू के बीच में आएगा। तो वन एंड टू के बीच में अगर कोई एक ही ऑप्शन है तब तो वही आंसर है, अगर काफी ज्यादा है तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक स्क्वायर के साथ यहां पर अंडर रूट कट हो जाएगा, तो वन प्लस अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सभी को मैं एक तरफ ले आया। अब यहां पर अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर अभी हमने अपलोड नहीं किए हुए हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होगा तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² plus bx plus c is equal to 0 से इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब मुझे x चाहिए, तो x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x is equal to क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वैल्यूज पुट करेंगे माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस वन का स्केयर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो यहां से दो टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, एक आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, एक आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। देखिए जब भी हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करेंगे इस तरह से, क्योंकि प्लस हो रहा है तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी, तो नेगेटिव टर्म को तो हम यहाँ पर कट कर देंगे, नेगेटिव टर्म तो नहीं आएगी, तो पॉजिटिव टर्म को सॉल्व कर लेंगे। तो 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा आपके पास नियरली इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पॉइंट नियर अबाउट 23 अपॉन में है 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 3.23 अपॉन 2 1.615, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास क्वेश्चन की बनती है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो काफी इजी होते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन्होंने कितनी आसानी से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 100, ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो आपके पास, तो या अंडर रूट 1000 है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होता है जो इजिली सॉल्व होता है, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की वैल्यूज वहां पर डाल देंगे जो सॉल्व करनी काफी मुश्किल रहे, बस ये है कि आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा तभी वो सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हम 1000 का अंडर रूट लें तो ये बन जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 1000 कितना होता है 1000 का जो अंडर रूट है वो आ जाएगा आपके पास 1000 का 100 सॉरी यहां पर 10000 होगा आपके पास, तब ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो 10000 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 100। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 44 और 100 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 144। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 12 प्लस 4 16 दैट इज इक्वल टू 4। तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह। नेक्स्ट अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करते आएंगे इसको 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29। अब 49 का अंडर रूट कितना होता है 7। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 29 प्लस 7 36, और 36 का अंडर रूट कितना होगा 6। तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 19 प्लस 6 25, और 25 का अंडर रूट 5। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 5 प्लस 11 प्लस 5 16, और 16 का अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9 एंड आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास आएगा एग्जाम में, काफी चांसेस होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारी जो टाइप्स हैं वो बनती हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल सिर्फ वो टाइप्स कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज भी हमारी चल रही है तो नंबर सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जितने भी आपको लग रहा है कि कोई डेफिनेट कोई टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स है कि आता है हर बार, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो टॉपिक है ये हर बार आता है तो इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे अगर वो डेफिनेटली जो है कोई फिक्स टॉपिक है। जैसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, उन्होंने आपको टर्म्स दी होती हैं, कुछ आपको सेंटेंसेस दिए होते हैं, आपको वो देखने होते हैं कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो वो तो आपका बेसिक मैथ है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जो टॉपिक्स हैं और सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो वो आप बताइए, हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।